Hey guys! आज का मौसम देखो, पहले ब्लॉग की शुरुआत में मौसम आज इतना बढ़िया हो रखा है तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक खुशखबरी के साथ। जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था फाउंडेशन का, उसका रिजल्ट आ चुका है। मतलब क्लासेस तो ख़त्म हो गई थी, दो तीन हफ्ते पहले ही हो गई थी, तो अब उसका रिजल्ट आ चुका है और अपन हो गया है पास, वो भी बढ़िया नंबरों से। पता नहीं कैसे, मेरे को तो नहीं लगा था क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट बहुत ख़राब गया था, बट किस्मत सही चल रही है फिलहाल। तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मेरा स्टार्टिंग में मिस हो गया था, जब मेरे को समझ में नहीं आया था क्योंकि यहाँ के कॉलेज का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, हमारे उधर की तरह नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होते, असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं। तो मेरी कुछ स्टार्टिंग में एक दो छोटी असाइनमेंट्स जो थी वो मिस हो गई थी और फिर मेरे को समझ में नहीं आया उसको कैसे मैनेज करा जाए। तो मैंने बाद में जितनी आई सब प्रॉपर अपने तरीके से देते रहा अच्छे से टाइम पर, और लास्ट में क्लियर हो गया। अच्छी चीज़ ये रही कि मेरे को टाइम पे सब कुछ समझ में आ गया और मैंने मतलब मिस नहीं किया उसके बाद एक भी चीज़। और टीचर से बात करी थी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके करो, तो फिर उसके बाद अपना मामला सेट हो गया। अब जनवरी से मेरी प्रॉपर MBA की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एक डेढ़ साल में निपट जाएगा। चहल ने भी गाइस किया हुआ है यही वाला MBA इसी कॉलेज से, तो मेरे को थोड़ा बहुत वो गाइड कर देता है, तो देखते हैं कैसा रहता है, मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ वीडियोस भी टाइम टाइम पे आए, कॉलेज भी मैनेज करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने का है। तो अब मेन टास्क है, अभी तक तो काम का नहीं था ना उतना प्रेशर, अब काम का भी बढ़िया है, तो सारी चीज़ें मिला के देखते हैं कैसे मैनेज होता है। और मैं अभी स्टेशन आ गया हूँ, ऊपर चलते हैं। ट्रेन आ चुकी है गाइस, मैं डाउनटाउन की साइड आ गया हूँ लेकिन आज मैं दूसरी साइड उतरा हूँ और मौसम आज का थोड़ा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बट ठीक है, अच्छा मौसम है आज, बारिश नहीं हो रही है। और मैं बताने वाला था, कॉलेज का बता रहा था मैं, तो जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं होता उसको MBA के लिए ना फाउंडेशन करना पड़ता है पहले, तो मेरा 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स था और उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो MBA में एडमिशन नहीं मिलता है। तो मेरा MBA का फाउंडेशन कोर्स तो क्लियर हो गया है, उसमें हमें 3 GPA स्कोर करना पड़ता है, लाइक ओवरऑल आपको 72% चाहिए होती है और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो मेरी तो सब में 72 से ऊपर है, तो मेरा क्लियर हो गया है और अब मैं MBA में, लाइक मेरा जनवरी से MBA स्टार्ट हो जाएगा, पहला पड़ाव क्लियर हो चुका है और अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, मेन पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी। जिसको नहीं पता, मैं यहाँ पे UCW में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट है मेरा कॉलेज का नाम। कैल ने भी इसी कॉलेज से किया था और तो मेरे को यही कॉलेज लगा ठीक, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा वो भी गाइड वाइड कर देगा इसके रिलेटेड, क्योंकि उसने पास कर लिया कॉलेज अब, तो मैंने सोचा कि इसी में ले लेते हैं एडमिशन। बाकी इधर पे अपना पहचान वाले लड़के भी रहते थे तो मैं यहीं आ गया। वैंकूवर तो पता ही है मैं क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे और जगह के मुकाबले ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, बर्फ़ बर्फ़ कम गिरती है, तो इसलिए यहाँ आने का रीज़न था। जनवरी का इंतज़ार है, तब तक अभी मैं फ्री हूँ, तो जॉब वॉब ढूंढ लेते हैं बढ़िया कोई, क्योंकि फिर अपना काम वाम भी शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब वो वीडियोस तो डेली अपलोड हो जाए, एक नए, लाइक मैं बनाता डेली हूँ तो एडिटिंग वगैरह मैं भी कर ही लेता हूँ रात को, क्योंकि नींद कम आती है। बाकी अब पढ़ाई और काम, दो चीज़ें और मैनेज करनी है साथ में, बट अब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा क्योंकि एक तो हमें फुल टाइम भी अलाउ हो गया काम करने का, और फुल टाइम अलाउ हो गया तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जब चहल आया था 1.5 साल पहले तो उसको मिला था ऐसा मौका कि फुल टाइम काम करने का, तो अभी अपनी किस्मत अच्छी है तो अपने को भी मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। करने वाले तो करते हैं, कैश पे भी काम करते हैं, बट लीगली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, अपनी फ़ीस वगैरह इसी से निकल सकती है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। टाइम वेस्ट करे बिना मैं अपना निकलता हूँ यहाँ से और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बाहर आया हूँ तो एक दो जगह जाना ज़रूरी है, ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हो, और मतलब कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, लोग पूछते हैं, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा बहुत जल्द, अभी यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा मैं। उत्तराखंड से हो इतना सबको पता ही है तो ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता होगा मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं पंजाब साइड से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में पढ़ता था, कॉलेज था मेरा वहाँ पे, तो इसलिए मेरे सारे दोस्त चंडीगढ़ वाले ही हैं, और इसलिए मैं बोलता कि हम लोग पहले चंडीगढ़ रहते थे ये वो, तो चंडीगढ़ रहने का मतलब था कॉलेज के लिए रहते थे हम लोग, तो इसलिए मेरे वहीं के दोस्त हैं सारे। गाइस मैं घूमते घूमते यहाँ के सबसे खूबसूरत जो बीच है यहाँ का उधर पहुँच गया हूँ, मतलब अभी अंधेरा हो रहा है तो दिखेगा नहीं कुछ, बट आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो तो चले गई, दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई, वीडियो बनाने के लिए नीचे आया ऊपर से, लेकिन वो चीज़ अब गायब हो गई है। कोई नहीं, अभी बताऊँगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दिखेगी तो दिखाऊँगा ज़रूर, कभी दोपहर के टाइम पर भी आऊँगा यहाँ पर और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा हल्का सा एक शॉट ले लेता हूँ यहाँ का।
यहाँ सबने अपने अपने घर सजा रखे हैं क्रिसमस के लिए। यहाँ घर बड़े सही है, मतलब मस्त सुबह उठ के समुद्र का किनारा दिखता है। ये है मस्त दो हीरे की अंगूठियाँ यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी। और यहीं पे किसी ने मस्त अपने घर के बाहर इतना बड़ा सेंटा क्लॉज बनाया हुआ है, वो देखो गाइस, सेंटा क्लॉज इतना बड़ा घर के बाहर। मतलब वो अपार्टमेंट है, और मोस्टली जितने भी अपार्टमेंट्स हैं मैंने सब देखे ना, सबके अंदर एक एक क्रिसमस ट्री लग चुका है। सबको पता ही है क्रिसमस ही सेलिब्रेट होता है यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से, तो सबने अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्री लगाना ही है, तो मतलब लगाना है, सबने लगा रखा है। अभी से नहीं, एक महीने पहले से लगाना शुरू कर दिया, और तो मोस्टली सब जगह दिख रहा है क्रिसमस ट्री, और हम लोग भी लगाएंगे, हमारे पास भी है क्रिसमस ट्री। उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे के सारे काम पे बिजी रहते हैं ना, तो देखते हैं किसी दिन छुट्टी होगी तो लगाएंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ बट लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। व्यू देखो गाइस रात को कितना शानदार लगता है बीच। अब समय पर बात करें बिना यहाँ से निकलते हैं, चलो गाइस। अब वापस जाने का वक्त आ चुका है और मैं स्टेशन के बाहर पहुंच गया हूँ। आज मैं दूसरी साइड आया हूँ, मतलब दूसरा स्टेशन है, बुरार स्टेशन है उसके, वहाँ से आज जाले स्टेशन से जाऊँगा। आज मैं काफ़ी देर तक बाहर रह लिया, मतलब 11 बजने वाले हैं और अब ठंडा बढ़ने लग गया है, तो अब यहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस घर को जाते हैं। आज का दिन ठीक रहा क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को काफ़ी रश होता है, तो इतनी देर तक इसलिए मैं बाहर था आज, और फ्राइडे को काम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आज और कल को लोग जम के पार्टी करते हैं, दबा के पार्टी करते हैं, फिर संडे को मस्त होते हैं, फिर उसके बाद मंडे से फिर काम करते हैं। 5 दिन काम करेंगे बढ़िया करके, 2 दिन पार्टी करेंगे, 1 दिन आराम करेंगे, यही है यहाँ का लाइफ साइकिल, मस्त है।